हर साल की तरह इस साल भी नागपुर में आपको आईपीएल की लाइव स्ट्रीमिंग देखने मिलेगी रेशम बाग ग्राउंड में। हमारे साथ मौजूद है बीसीसीआई के कुछ लोग, ये इनसे जानते हैं। पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इस बार जो आईपीएल की स्ट्रीमिंग होने वाली है, क्या कौन से मैचेस की स्ट्रीमिंग आप इस बार नागपुर में दिखाने वाले हैं? जी ये आईपीएल फैन पार्क का जो आयोजन है, ये बीसीसीआई पिछले 7-8 सालों से कर रहा है और नागपुर एक बड़ा क्रिकेट फॉलोइंग और एक स्पोर्ट्स लविंग सिटी होने के तहत इस आईपीएल फैन पार्क का आयोजन नागपुर में आने वाले वीकेंड को 6 और 7 अप्रैल को होगा रेशम बाग ग्राउंड पे, जिसमें नागपुर के जो क्रिकेट प्रेमी जनता है उनके लिए एंट्री बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। इसमें किसी तरह का कोई टिकट या शुल्क नहीं लगेगा। 6 तारीख को जो पहला मैच होगा नागपुर में, वो दोपहर का मैच, शाम का मैच है, जो राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में होगा। और 7 तारीख को जो 2 मैचेस होंगी, वो दोपहर का मैच मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा, और शाम का जो मैच है वो लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच होगा। जो 6 तारीख को है, शाम को 6:30 बजे रेशम बाग ग्राउंड में इसकी एंट्री शुरू हो जाएगी, और संडे को दोपहर को 2:30 बजे इस आईपीएल फैन पार्क की एंट्री पब्लिक के लिए शुरू हो जाएगी। अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, काफ़ी हाई लेवल पे लोग यहाँ पे आने वाले हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे आने वाले हैं और काफ़ी लोगों के आपने अरेंजमेंट भी किए, तो सिक्योरिटी की क्या क्या अरेंजमेंट आपके यहाँ पे हुई है? पिछले साल के एक्सपीरियंस से देखते हुए इस आईपीएल फैन पार्क में कम से कम 5 से 8 हज़ार लोग आके इस आईपीएल फैन पार्क का मज़ा लेते हैं। फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, हमारी तरफ से प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ साथ प्रशासन का भी पूरा सहयोग रहेगा इसमें, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए प्रशासन की तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी पूरी सुरक्षा की योजना रहेगी। अगर हम स्टॉल्स की बात करें, तो काफ़ी टाइम ड्यूरेशन के लिए ये आईपीएल स्ट्रीमिंग चलने वाली है, तो क्या क्या स्टॉल्स वहाँ पे आप लोगों ने रखे हैं? जी आईपीएल फैन पार्क और इस नागपुर की गर्मी में देखते हुए लोगों की सुविधा के लिए हमने सब तरफ से सारी चीज़ें दिमाग में रख के इसकी आयोजन की है। एक फूड स्टॉल रहेगा पूरे फैन पार्क में, जो बहुत नॉमिनल प्राइस पे लोगों को खाने पीने के ऑप्शंस रहेंगे। पीने का पानी इस आईपीएल फैन पार्क में बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड किया जाएगा। जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं या महिलाएँ हैं या डिफरेंटली एबल्ड लोग जो आईपीएल फैन पार्क में आएंगे, उनके बैठने के लिए भी हमने अलग से व्यवस्था करी हुई है। सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, तो कोई सेलेब या कोई क्रिकेटर यहाँ नागपुर में आने वाला है ये आईपीएल मैच स्क्रीमिंग में? अभी फ़िलहाल तो हमने हमारी तरफ से जितने भी वीसीए के ऑफिशियल्स हैं, नागपुर के जितने भी डिग्निट्रीज हैं, हमने हमारी तरफ से सबको इनविटेशन दिया हुआ है। देखते हैं अभी सबकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से, हुएवर इज़ अवेलेबल वी मेक श्योर दैट दे कम एंड ग्रेस द इवेंट। इस बार आपको आईपीएल देखने लखनऊ, उदयपुर या जयपुर नहीं जाना पड़ेगा, इस बार नागपुर में ही आपको आईपीएल की लाइव स्ट्रीमिंग देखने मिलेगी रेशम बाग ग्राउंड में 6 और 7 अप्रैल को। तो आप भी अगर हो क्रिकेट के दीवाने तो ज़रूर जाइए 6th और 7th को रेशम बाग ग्राउंड में आईपीएल की स्ट्रीमिंग देखने। महाराष्ट्र TV 24 के लिए कैमरामैन मोहन मिश्रा के साथ मैं खुशबू परियानी।